हेलो व्यूअर्स, दिस इज शांत एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये वर्कआउट चल रहा है अंडर माय गाइडेंस, अंडर माय कंसल्टेंट। तो आज मैं आपको 3-4-5 मेथड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड 3-4-5 मेथड यानी कि एक्चुअली सभी कॉर्नर जो है करेक्ट है या नहीं वो देखने के लिए इसको चेक करते हैं। तो जैसा वहाँ पे देख रहे हैं ना 3-4-5 मेथड, वो किस तरह से आप एग्जैक्ट एक ट्रायंगल शेप में ला सकते हैं वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइफ इज़ ऑसम सिविल को। एंड आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारे जानकारी मिलते रहेंगे, सो लेट्स सी एंड डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो सकता है। एंड और अभी आने वाले समय में आपको इसका विद प्लान के साथ भी बताऊँगा। फिलहाल आपको 3-4-5 मेथड किस तरह से लेते हैं वो बता दूंगा आपको मैं, लेट्स सी। तो देखिए व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे लिया गया और अभी वो कोने जो है ना हो गया ऑलरेडी, उसका पूरा एग्जैक्ट हो गया। एंड ये हम चेक किया गया, ओके वो भी चेक गया। अभी नेक्स्ट बच गया है यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट क्या करना चाहिए, यहाँ पे 3-4-5 मेथड या फिर दूसरा जो है तरीका, तो ये दिस प्लस दिस स्क्वायर करने के बाद इसका जो है ना इक्वल होना चाहिए वैल्यू। मान लीजिए वहाँ पे आप 3 लिए, इधर 4 लिए, 3 3 9, 4 4 16, यहाँ पे 5 लेते हैं ना, 5 5 20, तो दोनों इक्वल 25 ना। उसी तरह 9 12, और यहाँ पे जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। एंड वहाँ से स्टार्ट किया गया 9 फीट, यहाँ पे 12 फीट लिया गया एंड यहाँ पे जो है 15 फीट। अगर आप टेप में देखें तो आपको 9 21 और 36 मिल जाएगा, तो चेक करना चाहिए अगर इसमें। तो देखिए व्यूअर्स, अगर यहाँ पे इन फिक्स पॉइंट में पकड़ना चाहिए, इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर उसमें कुछ तो उससे क्या रेफरेंस होता है, यहाँ से स्ट्रेट जो हम देखते हैं ना यहाँ पे, अगर कुछ यहाँ पे राइट या फिर लेफ्ट करना चाहे तो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इस ये और वो पॉइंट एक्यूरेट एग्जैक्ट 90 डिग्री में मिल जाता है आप लोगों को। एंड कुछ फ़िलहाल तो यहाँ पर करेक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो भी इसको थोड़ा राइट लेफ्ट करना चाहिए यानी कि एडजस्टमेंट। तो ये 3-4-5 मेथड, और यहाँ पे वो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया एंड यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो वाला पॉइंट, वहाँ पे भी आप चेक करना चाहिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा, मतलब प्रॉब्लम यानी कि वही चेक रेफरेंस कंफर्म करने के लिए एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है या नहीं, फिर रेक्टेंगल शेप में है या नहीं, वही चेक कर रहे हैं हम अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से, वहाँ से 9, ओके यहाँ से 12, फिर ये जो रहता है ना डायगोनल वो हमें एग्जैक्ट 15 वहाँ पे मिलना चाहिए। तो वहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स पॉइंट रहेगा, हम ऑलरेडी मेज़र करें वहाँ से लेके यहाँ तक 26 फीट था। इस तरह से यहाँ पे 9 9 रेफर किया गया, फिर यहाँ से उन्होंने क्या है वहाँ पे एंड पॉइंट दो पॉइंट से 9 और वहाँ पे 36 है, इधर क्या एग्जैक्ट हम 21 पे लेना चाहिए। और अभी हम चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट एक्यूरेट पे है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो भी, प्रॉब्लम यानी कि थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ वो वाला पत्ता रहे ना उसको चेंज करना चाहिए। तो थैंक्स। तो अभी ये फ़िलहाल एग्जैक्ट है और यही एक मेथड है, तरीका जैसा हम बनाते हैं इस तरह का। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता देना। एंड आने वाले समय में इसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल। तो ये अभी डायगोनल जैसा लेना बताया, और नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको कंफर्म कैसा ये एक्यूरेट है या नहीं। सतीश सूरज, अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा ये कैसा कंफर्म करना चाहिए एक्यूरेट है या नहीं। नाम इंजीनियर साहब और बंदर। हाँ नमस्कार। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड हैव अ ग्रेट डे।